कपड़ा नगरी में कोरोना वायरस कहर के बीच फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों और लोगों को दो बसों के माध्यम से अपने अपने प्रदेशों में भेजा गया है। पहली बस शहर से रवाना की गई जिसमें 23 श्रमिकों और दूसरी बस में 29 व्यक्तियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि दूसरी बस के प्रवासी व्यक्ति 2 माह पूर्व अपने रिश्तेदार की मौत पर शोक व्यक्त करने आए थे और यहीं फंस कर रह गए थे, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने इन सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर इनके खाने पीने का इंतजाम किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को भेजने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से हमने ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर मुख्यमंत्री को भेजी थी। जिन जिनकी सूची हमारे पास है उनकी सूची के हिसाब से हम उनके बसेज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग श्रमिक मान लो महाराष्ट्र में या कहीं है तो उनके वहाँ खाली गाड़ी जा रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसमें यहाँ के लोग भी चले जाए। ऐसे आज यूपी और बिहार की 3 बसें इधर और जा रही है, तो उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी उसकी 50% में वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो आज 3 गाड़ी बिहार की तरफ जा रही है और 4-5 गाड़ी महाराष्ट्र की तरफ खाली जा रही है वहाँ के लोगों को लेने के लिए, ताकि हम उनको भी कह रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई महाराष्ट्र जाना चाहे तो उन्हें शिफ्ट कर दें। जो प्रवासी राजस्थानी बाहर का यहाँ फंसा हुआ है या यहाँ से अन्य प्रदेशों में जाना है, उनके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम की स्थापना कर रखी है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आज इन भाइयों को आगरा, ये 10 मार्च से भिलवाड़ा में 29 परिवार के एक ही परिवार के लोग फंसे हुए हैं। इस बस के माध्यम से इन 29 लोगों को हम आगरा भिजवा रहे हैं। एक बस में गोंडा 23 मजदूर जो यहाँ फंसे हुए थे, बेचारे लाचार हो रहे थे, यहाँ काम करने को उनके पास रोजगार नहीं था, उनको खाद्य सामग्री दे के पानी वानी पिलाकर एक बस को हम गोंडा रवाना कर चुके हैं। गोंडा जा रहे हैं सर।